दाढ़ मार गुरु तेरा मैं, इस योग से नहीं अनेक योग से हूं मैं। करेगा ना काम? जो लोग बदनाम करते हैं उनका क्या असर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या गलती हो गई? तो भटक गया थोड़ा सा, बदनाम लेने थोड़ा गया हो जाएगा। लगता है तुम अभी यहाँ से मुक्त हो पाओगे? लगता है तो अभी आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा उधर, बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी सोल तेरे अंदर जब एक्टिव हुआ था तो क्या मैं जानबूझ के एक्टिव किया था? काल भैरव ने बोला था जब एक्टिव किया था ना। जी गुरुदेव। हाँ तो ये जो ये सब कर रहे, तुम्हारी सोल तुमसे नाराज है, बर्बाद कर देगा तुम्हें। तुम्हारी सोल तुमसे नाराज है, अभी देख लो सुन रहा है वो। कोई लाभ होगा? क्या लाभ होगा ये बताना मुझे। नहीं गुरुजी कोई लाभ नहीं। सोल तुमसे नाराज है, अभी पता नहीं कितने गुरु का फैलना, अगले टाइम में अगले जन्मों में भी तुम लोगों ने यही किया और इस जन्म में अवसर मिला तुम लोगों को। अब चले गए मसाल लेने, मसाल नहीं बार बोल के देखता तुझे मसाल ऐसे ही मिल जाता। गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई। किसने लिखे? बहुत बड़ी गलती। आज काम कर रहा है मेरे दिए गए प्रयोगों से काम कर रहा है ना। अब ये ऐसे ऐसे नपुंसकों के पास जाते हो, चूते लोगों के पास जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ रंडी जैसा सकल बना के लोगों को चूतिया बनाना चाहते हैं और बनाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके काम करते हो? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा जीवन में आज के बाद। नहीं कभी जाने ना जाने की बात नहीं है, बात ये है कि तुमने अवहेलना किया ना। ये पहली बात तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब तुमने लाख रुपए दिया तो तुमने अपने मर्जी से नहीं दिया, तुम्हारी सोल की मर्जी थी, तुमने लाख रुपए दिया और तुम यहाँ आना आया था दर्शन करने आया था तुम्हारे। हम पंच तत्वों को एक्टिव करते ही आपका सोल आपके अंदर आया। कितना गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। कितना गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था। और उसके बाद जब तुम्हें जब सारी प्रयोग दे दिया मैंने, जितने लोग साधना सिद्धियों में आए थे सबको मैंने दिया शक्तियां, सबको दिया शक्तियां मेरे, सबको, सब अपने अपने काम कर सकते हैं करते हैं और उसके ऊपर संदेह रहते हो तो तुमको लगता है दिनेश्वर महाराज जो है कि ये पाखंड फैला रहा है? लगता है? नहीं। यहाँ से जो डेढ़ डेढ़ साल खा के गए साले, खुद एकदम मरने मरने इसी हालत में थे, हराम खोर लोग इधर आए, इनकी जीवन दान इनको प्राप्त कर किया गया, ऊपर से ये लोग साले इंस्टा पे वीडियो डालेंगे मेरे खिलाफ सबको भड़काएंगे और तुमको भी भड़काया उसने। चलो बताओ, शुरू से बताओ, माफी हम जब भी देखें शुरू से कहानी बताओ क्यों ऐसा किया तुमने, शुरू से बताओ। मैं गुरुजी मसाल के चक्कर में चला गया था गुरुदेव। किसने लेके गया था? मैं लेके कोई नहीं गया, मेरे को मैंने वीडियो देखा, मसाल के चक्कर में चला गया। मैंने कहा एक मसाल है ये काम कर देगा, अभी भी झूठ बोल रहा है। नहीं गुरु जी वहाँ पे फिर इस तरह मिला था मेरे को बाद में। मैं गया था अपनी मर्जी से मिला था इस तरह मेरे को बाद में। मरघटिया आएगा उठा के पटकेगा, ये ध्यान रखना आएगा। जो चेले रह चुके हैं ना वो शरीर से मतलब नहीं होता है, वो भयंकर भी बन सकते हैं। गुरु जी एक बार माफ कर दो गुरु जी। सारी हकीकत बताओ मुझे, सुनना मुझे। वहां पर मिला था मेरे को गुरु जी को। मिला था नहीं, हकीकत बताओ, वहां का रास्ता किसने दिखाया तुम्हें? नहीं मैंने वीडियो देखी थी गुरुदेव, उनकी वीडियो आ रही थी फोन पर, मैंने वीडियो से गया था गुरुदेव। और वो माधरचोद बोलता है उल्टी से तंत्र नहीं निकलते, तो तुम्हारे वो साड़ू के पेट से जो कीड़े निकले थे क्या निकला था? गलत है वो? जी गुरु जी गलत है। नहीं सही था गुरुदेव। नहीं और कितने लोगों ने तुमको भड़काया? नहीं ईश्वर ही मिला था मेरे को, और नहीं मिला, और कोई नहीं मिला गुरुदेव। क्या बोला था ये हरामखोर? इधर बोल रहा था उनके पास, ये मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो कुछ लेने आया हूँ, मेरी बुराई मत करने। सुनो
वो आया था जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ था, उसकी खानदान वाले ने उसकी माँ छोड़ के रखा हुआ था, वो आया था मेरे पास, वो ठीक हुआ, उसको शक्तियां भी मिली, सारी चीजें मिली, ऊपर से भेड़ चोदो को मैं महीने का ही वो खर्चा देता था, ये साले रंडी की औलाद है ये लोग, ये जो फालतूगिरी कर रहे हैं, ये सब सारे झुंड बना के जो कर रहे हैं, सारे झुंडों की माँ छोड़ दूंगा मैं, ये ध्यान रखना। अभी अभी थोड़ा सा मैं कार्य क्षेत्र में हूँ और सबको इतना हुर पट्टी देते ये लोग दुनियादारी, यार शिविर रखवा रहा हूँ ना, तुम्हारी माँ का दूध पिया माता जो शिविर में आओ, वहां मिलूंगा ना मैं तुम्हें। गुरु जी मैं उनमें नहीं हूँ गुरुदेव, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई गुरुदेव, से माफ करो ना एक बार। क्या माफ करूं, वो तो रही माफी की बात है, तुम कब से कमेंट कर रहा हो, तो हमने सोच लिया माफ करेंगे, तुम्हारे अंदर इच्छा जो सामने वाले ने गुस्सा है उसका क्या करोगे, हाँ तो आप करोगे गुरुदेव जैसे भी करोगे। अरे जहर तो खुद खाएगा, खुद रोग पैदा करेगा, हाँ तेरे अंदर जो चीजें घुसाया सामने वाले ने, जो तुझे प्रसाद के रूप में देखे, उसका क्या करेगा। गलती हो गई गुरुदेव, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मैंने प्रसाद के रूप में क्या भूत प्रेत देता हूँ मैं, यही रह गया है, माता का भक्त रहेगा तो माता की शक्तियों का ही प्रदर्शन करता है। अभी वो तुम्हारे अंदर एक शक्ति डाला है उसने कि तुम्हें अपनी तरफ सम्मोहित करके रखे, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा सोल मजबूत है कि उसे हावी नहीं होने दिया, जहां पे तुम गए थे। नहीं गुरुदेव, मुझे तो आप चाहिए और भैया चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है भैया भैया को बुलाएगा आ जाएंगे लगता है तुझे, या मैं आ जाऊंगा। नहीं गलती मैंने बहुत बड़ी की है गुरुदेव। जितने लोग यहाँ से रही बात की भोसड़ी का इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं माधर चिवत, तो पहली बात तो सोचना चाहिए, उल्टी के विधि विधान में हमने इसलिए उल्टी का वीडियो डाला मैंने यूट्यूब पे कि मैं भी उल्टी करता हूँ साल में एक बार, अगर अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित करना हो रखना हो लोगों के बीच में बने रहना है तो उल्टी करना पड़ता है, और मैं करता भी उल्टी, और मैंने वीडियो डाला है मैंने आधे घंटे का। तो दुनिया बोलती है उल्टी करने से हो जाएगा, वो झाड़ू बोलता है भूसड़ी का इंद्रजाल का इसका उसका, लेकिन दुनियादारी डालता है, और ये जो भूसड़ी का इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है ट्रेन से वैन चौद चालू डिब्बे में आने की औकात नहीं, माधव चौद फ्लाइट से आता है, और यहाँ पे हमने जब मना किया माधव चौद की यहाँ पे आश्रम में कोई काम नहीं करो, कि जाओ अपना अपना दरबार लगाओ अपने घर पे जाओ, तो इनको बुरा लगा, ये साले यहाँ पे सोच रहे थे कि हम खुद यहाँ पे बैठक करेंगे, गुरुजी तो यहाँ वहां जाते रहे, तो गुरुजी का काम ही है जो बुलाएगा उसके पास जाएगा। तो ये लोग जो दुनियादारी कर रहे हैं सबकी मैं खबर लेने वाला हूँ, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबकी लेने वाला हूँ, सबकी इतनी लेने वाला हूँ कि जिंदगी भर ये लोग साले ना रोएंगे माधव चौद, ये जितने लोग षड्यंत्र कर रहे हैं षड्यंत्र करके दिनेश्वर महाराज को फंसाना चाहते हैं या दिनेश्वर महाराज को गिल्टी फील कराना चाहते हैं, हम क्यों गिल्टी फील होंगे, हम अपने आप में नहीं है, हम अपने आप में नहीं है, ठीक है, हम अपने आप में नहीं है, हम 80% जो है कि हम हमारी ऊर्जा हमारे अंदर रहती नहीं है, वो बारी रहती है, सिर्फ 20% रहता है, 20% ऐसे इंसान को छेड़ना मतलब अपने पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर लेना। अभी लोगों को लगता है कि ये काम कर रहे हैं, इनसे काम होगा, माधव चौधरी ने इस तंत्र को हलवा समझ रखा है, जिसको जिससे हमने पैसे नहीं लिया वो माधव चौधरी जो है कि वो बोलता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे भेड़ चौधो तुम्हारी सोल एक्टिव करके तुम्हें हमने जो गंगा जी में तुम्हें एक्टिव करके छिलवा दिया तुम्हें, इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए। ये जो दुनियादारी कर रहे हैं सब सारी चीजें, मैं सबको खर्चे देता था, इनके माँ की माँ चुन रही थी इनकी, तो माँ के लिए इनके पैसे भेजना और इनके लिए खर्चा भेजना, क्या उसके ऊपर क्लेम करूं मैं, सारे सारे मेरे पास पेमेंट के सारे स्क्रीनशॉट है, करूं कम कंप्लेन। आते पहली बार आया था आश्रम में तो मैंने पहले बोला था सबको भगा दो इसको, ये अच्छा आदमी नहीं है, मैंने यही बोला था भगाओ इसे सारे को, तो ये रंडी जैसी शक्ल बना के गरीब हूं गरीब हूं गरीब है माधव चौद क्रिमिनल आदमी, गरीब बन के यहाँ रहा और यहाँ जिस थाली में खाया उसी थाली में साला छेद करने की कोशिश। और तुम ऐसे लोगों की बातों में आते हो, ऐसे लोगों की बातों में आते हो। गुरुजी एक महीने से मन नहीं लग रहा है बिल्कुल मेरा, एक महीने से मन नहीं लग रहा है। अब एक चीज ध्यान में रख, मैं माफी तो दे दूंगा लेकिन
माफी दे दूंगा, उसके बाद अगर तूने नाटक किया या दुनियादारी किया तो उससे जिम्मेदार तू रहेगा। कभी नहीं मुड़ता, कभी नहीं, समझे? एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। अभी रो रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, जब उस समय तुम्हारे सोल को जब तुम्हें एक्टिव किया था तो मैं अपने आप में था, मैं उसी दुनिया में था, उसी दुनिया से तुमको ललकारा और तुम खेल लिया। हाँ, अभी माफी मांग रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो दुनियादारी। अब जो दुनिया वाले ने तुम्हारे साथ में किया है, जो सामने वाला जो झांडू किया है, पहली बार तंत्रों का संख्या मालूम है उसे? तंत्र क्या होता है, साधना सिद्धि क्या होता है, उसका ज्ञान है? किताबी ज्ञान पढ़ के दुनिया को ज्ञान दो, चूतिया बनाओगे तो चलेगा ये? या पत्र तुम भी पर्ची बना रहे हो, पर्ची बना रहे हो, चल मेरे बारे में बता। मुझे नहीं, गुर्दे मुझे नहीं बनानी कोई पर्ची, नहीं बना ले बाहर में गई पर्ची ना, गुर्दे मुझे मुझे कोई पर्ची नहीं बनानी, बाहर में गया मंगल बाहर में गया उसकी पर्ची, गुर्दे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी है, कुछ नहीं चाहिए गुर्दे। जो जागृत इंसान, दिनेश्वर महाराज जागृत है, ऐसा नहीं है शरीर में है लेकिन वो जागृत है, उसके पास जो नहीं सुधर पाया, संसार में कोई भी हराम खोर सुधार दे तो उसे पिशाब से मोच बना दूंगा मैं, दाढ़ी बना दूंगा, दाढ़ी रखूंगा ही नहीं मैं, समझ गए? चलो माफ किया मैंने, चल मर गया। हाँ चल माफ किया, अवसर दे रहा हूं मैं, आ जाओ उसके शरीर पे, जल्दी आ। तुम्हारे रहते ये सब क्या है, क्या है ये सब? हाँ बोलो, अफसोस हो रहा है? आओ मरगड़िया आके बता, बता आके पूरी तरह से आ। चलिए भैया माफ करिए उसे, आ जा। नाराज मत हो, माफ किया एक बार कर दिया तो दिल से ही करता हूं मैं, अभी आ और कुछ बता यहां पे, आ जा। तुझे ऐसा लगता है तुझे इधर एक्टिव करने के बाद तुझे तेरे मुक्ति का द्वार खोलने के लिए हमने क्या प्रयास किया, और तेरे रहते हुए ये कैसे बैठ गया भैया? हाँ बोल, अच्छा तुझे भी बंधन में ले लिया उसने? हाँ नहीं ले पाएगा कोई बंधन में, चल आ जा। खोल दिया मैंने, अफसोस कर मत, दहाड़ दे पहले जैसा दहाड़, जो जोश भरा था वही जोश आना चाहिए पूर्ण तरीके से। वो बोल रहा है ये गांडोगिरी किया है, कैसे आ जाऊं मैं, शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूं मैं, हाँ शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूं मैं। देख तेरी सोल कितनी इज्जत करती है दिनेश्वर महाराज की, सोच सोल तेरा कितना इज्जत करता है वो देख। पहले बेटा पांच लौंग ले तोड़, चलिए तोड़ रहा हूं उसे, उसे भी देख अंदर डाल के उसे बंधन में डाल दिया उसे, फिर भी मेरे चिल्लाने से वो हिल रहा है, अभी खोल रहा हूं मैं। तुम भी पास करो, चलिए भैया जो चीज से नाभि में डाला गया है उसी को कैद करके नाभि में बंधन कर दिए 84 शमशान से 17 से, और मरगटिया की सोल को पूरी तरह से एक्टिव करिए, आकाश पता लगनी है, वायु जल पृथ्वी के माध्यम से जितने भी क्रियाएं इसके ऊपर की गई है सभी को कट करें और अंगार उत्पन्न करके जला के खाक करें और इसे इसकी सोल को इसके अंदर एक्टिव करिए। चलिए हाँ उठा के काशी में, काशी में डालना क्या, जहां से आया वहीं डाल दो, चलो जान दो हमें उल्टा नहीं करना, काशी में ले लीजिए। चलिए पकड़ लिया, ओ तोड़ो,
मेरे पास पकड़ो, अभी देखो तुम्हारे शरीर में अभी आना स्टार्ट हो रहा है, हलचल कर रहा है, पकड़ बेटा जल्दी, चल मरगड़िया, मैंने माफ किया, अब तो अपने आप में जागृत हो जा, ऐसे पाखंड से बच, पाखंडियों के झुंड में जाने से क्या लाभ है, इतने प्रयोग, इतने सारे तंत्र काट के विधि विधान दिया है, तो खुद भी काट देगा, लेकिन उन प्रयोगों से करेगा तो नियम और नियति विधि विधान के अनुसार करेगा। अब पूरे शरीर में आ जाना, तो कुछ बोलना चाहेगा मरगड़िया? हाँ, खोल दिया मैंने सब कुछ, कुछ अपेक्षा है बोलने का या सुनने का? अभी काम करेगा ना इसका? हाँ करेगा ना, दाढ़ मार, गुरु हो तेरा मैं, इस योग से नहीं अनेक योग से हूं मैं, करेगा ना काम? जो लोग बदनाम करते हैं उनका क्या असर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चलो अब खुल गया है, अब इसके बाद बेटा फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड चांस कभी नहीं, थर्ड मैं किसी को चांस नहीं देता, गुरुदेव कभी नहीं होगा ऐसा, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो कुछ बोलना चाहोगे? जो लोग बदनाम करते, गुरु पूर्णिमा पे आऊंगा गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा पे आऊंगा सर, तुमको तो माफी तुमसे समय मिल गया होता, तुम आ गया होता शिविर में, मेरी हिम्मत नहीं, अपराध इतना बड़ा कर दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं आपके पास आने। अच्छा जो लोग बदनाम करते हैं उनके लिए क्या लाइन बोलने वाला पता? जो लोग आपको बदनाम करते हैं वो सारे दुनिया में भटक लेंगे, उनको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कामा क्या चले जाते, कहीं भी चले जाओ, उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। जो एक बार जो ऐसे गुरु मेरे महान गुरु को छोड़ करके जो उनके चरणों से दूर चला गया है उसको कभी जीवन में मुक्ति नहीं है गुरुदेव, वो भटकते रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा उनके पास में, दुनिया उनको लूटती रहेगी, ऐसे ही लुटते लुटते मर जाएंगे। चलो ये वीडियो तुम्हारा यूट्यूब पे अभी जाएगा, लोग दिखना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को, देखो बहुत सारे लोग माफी मांग रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों को माफी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा सोल, तुम्हें इस जन्म में तुम्हें यहां से रफो चक्कर हो जाना है, सिरे मुक्ति का द्वार खोला है तुम्हारा, अल्लाह भला करो सबका, ठीक है? चलो गुरु पूर्णिमा में आ जाना, कोई टेंशन नहीं है, एक नारियल, एक व्हाइट मिठाई, एक लड्डू, और उसमें तीन तिलक रहना चाहिए दुर्गा माता का, ठीक है? तीन तिलक होना चाहिए, उसके बाद दो हल्दी का होना चाहिए, एक दुर्गा माता, दो दुर्गा शक्ति पीठ के लिए दो, और एक काल भैरव जी के लिए दो, अभी देना है गुरुदेव, शाम में दे देना। जी गुरुदेव, तुम्हारी सारी शक्तियां पावर में आके काम करेगी, तुम टेंशन लेना नहीं। जी गुरुदेव, चलो ठीक है, जय माता दी।